आम आदमी पार्टी के लोगों को लगता है वह कानून, देश का संविधान और इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। दिल्ली, तेलंगाना, गोवा, पंजाब, यहाँ के लोगों को लूटने का एक मास्टर प्लान बनाया गया जिसके किंग पिन खुद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर थे, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और एक पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से गुवाहाटी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के विचार को साथ जुड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी के गरीबों के लिए किए हुए पिछले 10 वर्षों के काम, भ्रष्टाचार मुक्त शासन से प्रेरित होकर लोग जुड़ रहे हैं। और मैं शीतल अमराल और सांसद सुशील रिंकू जी का, दोनों सीटिंग विधायक और सांसद हैं, दोनों का भाजपा में शामिल होने पर स्वागत करता हूँ। और ये बढ़त, निरंतरता, ये सहयोग, सबका साथ सबका विचार, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जन जन की आवाज बनकर पंजाब की 13 सीटें जीते। सर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में प्रोड्यूस होना है, लेकिन उसके पहले उनकी पत्नी ने ये कहा है कि हम सारे उनके बेगुनाही के सबूत पेश करेंगे। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत रिलीफ देने से मना कर दिया, हालांकि ईडी को समन किया है, कि क्या वजह रही ये जरूर बताएं। कानून से ऊपर देश में कोई नहीं है, पर पता नहीं क्यों अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों को लगता है वह कानून, देश का संविधान और इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। पूरी दिल्ली और देश ये बली भांति जान चुका है कि केजरीवाल का साथ और हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, शराब घोटाले के काले सच के साथ, और ये एक नेक्सस बनाकर दिल्ली, तेलंगाना, गोवा, पंजाब, यहाँ के लोगों को लूटने का एक मास्टर प्लान बनाया गया जिसके किंग पिन खुद केजरीवाल हैं। और जनता की हार्ड कोर की हुई कमाई को लूटने का काम आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने किया है। इसकी जांच होनी चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए। सर, केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं जिस तरीके से आईटी की नोटिस आ रही है कांग्रेस को और जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, ये टोटली वेंडेटा पॉलिटिक्स है और हम सब एकजुट होकर 31 तारीख भ्रम फैलाया जा रहा है, कानून का पालन करना पड़ेगा। दरअसल ये हार के डर से बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है। आपने गड़बड़ियां की हैं तो प्रमाण तो देने पड़ेंगे, और कानून सभी पार्टी को लिए एक है। और कांग्रेस पार्टी और गांधी वंश ये सोचे कि इनकम टैक्स की धाराएं उन पर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो गांधी वंश से हैं, वो एक युवराज हैं, देश महारानी और युवराजों पे नहीं, देश की जनता कानून के मुताबिक चलती है और सभी को कानून का पालन करना चाहिए।